हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो पिछले लेक्चर्स में हमने यूकैरियोटिक सेल के बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात की थी, हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात की। आज हम एक बड़ी फेमस ऑर्गेनेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर कॉलिकर ने किया था। ये नाम माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ने दिया था। इनको बायोब्लास्ट भी कहा जाता है, जो कि ऑल्टमैन में दिया था। अब इतने सारे नाम और साइंटिस्ट से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वही नाम याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में, बाकी सब सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। फिर इनका जो शेप है, ये किडनी या बीन शेप के होते हैं, जैसे राजमा का शेप होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन एनसीईआरटी में जो टर्म यूज किया गया है वो है सॉसेज शेप। सॉसेज शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, साइज दिया है इनका। नंबर पर सेल हाईली वेरिएबल होता है, ये डिपेंड करता है कि इस ऑर्गेनिज्म की कितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ये कम या ज्यादा हो सकते हैं। और आप जैसे जानते ही हो कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, प्रोकैरियोट में तो होने का मतलब ही नहीं है। यूकैरियोट में भी ये मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज में नहीं पाए जाते हैं। और इनको स्टेन करने के लिए हम एक वाइटल स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज जैनस ग्रीन बी। नाउ व्हाट इज वाइटल स्टेन? वाइटल स्टेन ऐसा एक डाई होता है जो किसी ऑर्गेनली को या सेल को उसके लिविंग स्टेट में, वाइटल स्टेट में स्टेन करने की एबिलिटी रखता है, उसकी लिविंग एबिलिटीज को दिखाता है, उसकी वर्किंग कंडीशन को दिखाता है। ठीक है, तो यहीं पर हम इसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन 1880, टर्म गिवन बाय बेंडा, आल्सो नोन एज बायोप्लास्ट बाय ऑल्टमैन, शेप सॉसेज शेप, दैट इज किडनी और बीन शेप्ड, साइज 2 to 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर एंड 1 to 4.1 इन लेंथ, स्टेन बाय अ वाइटल स्टेन, दैट इज जेनस ग्रीन बी। नंबर पर सेल इज हाईली वेरिएबल, इट इज अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, एंड इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज। नाउ इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चरली ये ऐसा दिखाई देता है, आप सबको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से दिखाई देता है। इसमें चार पार्ट्स होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर कंपार्टमेंट, एक इनर कंपार्टमेंट, सिंपल चार पार्ट्स। तो आउटर मेम्ब्रेन को ध्यान से देखिए, आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस, पूरी कंटिन्यूअस है, कहीं कोई फोल्डिंग नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती है। इनर मेम्ब्रेन को देखिए, बड़ी यूनिक सी है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। अंदर की तरफ फोल्ड क्यों हो जाती है? टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया, और इन इनर फोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टे। इन दोनों के बीच में जो जगह क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहा जाता है। क्रिस्टे एंजाइमेटिक सरफेस एरिया को बढ़ाती है, मतलब इसमें एंजाइम्स होते हैं, और इसमें दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, एक इसमें रेस्पिरेटरी ईटीएस के एंजाइम्स होते हैं, और एक इसमें एटीपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम होता है। जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही काम, एटीपी की ये सिंथेसिस करता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, आपको दिख रहा होगा, एक डंडी जैसा जिसको F1 पार्ट कहते हैं, F0 पार्ट कहते हैं, और एक नॉब जैसा जिसको F1 पार्ट कहते हैं, इसीलिए इनको F1 F0 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। अंदर का ये जो कंपार्टमेंट क्रिएट हुआ है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। इसमें वो सारे एंजाइम होते हैं जो हमें एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के वक्त होने वाली एक साइकिल, दैट इज क्रेब्स साइकिल के लिए चाहिए होते हैं। खास बात, बहुत खास बात, इसको जरा ध्यान से सुनो, इसके पास अपना खुद का सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और अपने खुद के 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो ये अपने मैक्सिमम काम खुद कंट्रोल कर सकता है। मैंने मैक्सिमम वर्ड का यूज इस्तेमाल किया है, सभी ऑल का नहीं, मतलब कुछ कामों के लिए ये अभी भी न्यूक्लियस के कंट्रोल में है, बट मैक्सिमम काम ये खुद कर सकता है। तो जो कोई अपना काम खुद कर सकता हो वो ऑटोमेटिक हुआ, लेकिन सारे नहीं कर सकता, कुछ कर सकता है, इसलिए हाफ ऑटोमेटिक हुआ। इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी कहा जाता है, बिकॉज इट कैन कंट्रोल मेजॉरिटी ऑफ इट्स फंक्शन बाय इट्स ओन डीएनए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और फिर हम इसके फंक्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसके पार्ट्स देखिए, सबसे बाहर क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, जैसा मैंने आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है। ये आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? कंटिन्यूअस है।
सेलेक्टिवली परमिएबल है। एक चीज मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, एवरी लिविंग मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। हर लिविंग मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होगी, हर लिविंग मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होगी। डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी ज्यादा प्रोटीन्स हैं, कितने कम लिपिड्स हैं और वो कितनी परमिएबिलिटी अलाउ कर रही है। तो दोनों ही सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा परमिएबल होती है, ये थोड़ी कम परमिएबल होती है। क्यों? इसके पास पोरिन प्रोटीन्स का नंबर ज्यादा होता है। मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पोरिन प्रोटीन्स बताई थी, वहां ये ज्यादा होती है। और यहाँ पोरिन प्रोटीन्स नहीं होती, यहाँ एक स्पेशल लिपिड होता है, दैट इज कार्डियोलिपिन, जो इसकी परमिएबिलिटी को बहुत कम कर देता है। तो देखिए, ये कंटिन्यूअस है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, कंपैरेटिवली ज्यादा परमिएबल है क्योंकि इसके पास पोरिन प्रोटीन्स हैं। इस पोरिन प्रोटीन्स की वजह से इसकी परमिएबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। केमिकली तो ये 60% प्रोटीन है, 40% लिपिड्स है, लेकिन पोरिन प्रोटीन ज्यादा होने के कारण इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। इनर मेम्ब्रेन में आ जाते हैं, सेम पॉइंट, सेलेक्टिवली परमिएबल है, कंपैरेटिवली लेस परमिएबल है क्योंकि पहली चीज तो इसके पास पोरिन नहीं होती उतने अमाउंट में, और दूसरी बात इसमें स्पेशल एक लिपिड होती है, दैट इज कार्डियोलिपिन, ये इसकी परमिएबिलिटी को थोड़ा कम कर देता है। इसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं जिनको क्रिस्टे कहते हैं, क्रिस्टे इनफोल्डिंग्स हैं, और ये क्या करते हैं, एंजाइमेटिक सर्फेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और केमिकली ये 80% प्रोटीन और 20% लिपिड है। अब आप देखो, ऑल दो इसमें प्रोटीन ज्यादा है, लेकिन कौन से टाइप की प्रोटीन ज्यादा है ये मैटर करता है। तो यहाँ पोरिन प्रोटीन्स नहीं है, इसलिए ये कंपैरेटिवली लेस परमिएबल होती है। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि इस इनर मेम्ब्रेन पर एक एंजाइम लगा हुआ है, तो अब हम इस एंजाइम के बारे में कुछ बात करेंगे। तो देखिए, इनर मेम्ब्रेन में दो तरह की चीजें प्रेजेंट होती हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो मैं रेस्पिरेशन में आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी। तो जो हमारी रेस्पिरेटरी ईटीएस होती है, रेस्पिरेशन में होने वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसमें लगने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहाँ होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और ये वो जगह है जहां पे एटीपी की सिंथेसिस होगी, तो यहाँ एटीपी सिंथेसिस का एंजाइम होता है, जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही काम, एटीपीएज या एटीपी सिंथेस, एटीपी की सिंथेसिस। इसको मोरान और फर्नांडेस ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको मोरान फर्नांडेस पार्टिकल्स कहते हैं। इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, इनको ऑक्सीजोम्स या इनको F1 F0 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ये नाम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, F1 F0 पार्टिकल, ये कई जगह पे यूज होगा। इसमें देखिए क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये इसका बेस है जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। आपको बेस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो मेम्ब्रेन में लगा हुआ है, अंदर इंसर्टेड है। फिर इसमें ये एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है, डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली F0 पार्ट है, जो टनल प्रोटीन होती है, पोरिन प्रोटीन होती है, जिसके थ्रू कोई चीज जा सकती है। और ये हेड होता है नॉब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे दरवाजों का नॉब होता है जिसको आप घुमा के खोलते हैं, बिल्कुल वैसा ही नॉब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। तो F1 और F0 दो पार्ट होते हैं इसमें, इसीलिए इसको F0 F1 या F1 F0 पार्टिकल्स कहा जाता है। अब हम आगे के दो पार्ट्स की बात करेंगे, दैट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। तो अब देखिए, लास्ट टू पार्ट्स इसके, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। तो टोटल चार पार्ट हो गए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट क्या है? आउटर कंपार्टमेंट जो है ये दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह है, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इट इज अ स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। और ये वो जगह है जहां प्रोटॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, H+ आयंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं ड्यूरिंग ETS, और इसी की वजह से ATP की सिंथेसिस होती है। तो दे शो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स ड्यूरिंग ETS एंड फैसिलिटेट ATP सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपका इनर कंपार्टमेंट, जो अंदर का ये कंपार्टमेंट क्रिएट हुआ है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ही बता दी मैंने आपको कि इसके पास अपना खुद का सिंगल सर्कुलर जी से रिच डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, और 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वो जगह है जहां सेल का एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और यहाँ एक साइकिल होती है जिसे हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था, इसलिए उसको क्रेब साइकिल कहते हैं। सो इट कंटेन्स ऑल द एंजाइम फॉर क्रेब साइकिल एक्सेप्ट, जहां एक्सेप्ट वर्ड आ गया मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है चीज आपके लिए, इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखोगे, एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस SDH एंजाइम। बाकी सारे एंजाइम तो मैट्रिक्स में पड़े होते हैं, ये एंजाइम मैट्रिक्स साइड में चिपका होता है ऑन द इनर मेम्ब्रेन, तो इट इज अटैच्ड टू इनर मेम्ब्रेन एंड टू द मैट्रिक्स साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो ये इसके सारे पार्ट्स हो गए, चार पार्ट्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात कर लेते हैं। अब आप जानते हो कि जब हम खाना खाते हैं तो क्या उससे एनर्जी मिलती है? नो। जब हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, तो हमें उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हमें एनर्जी तभी मिलती है जब उन न्यूट्रिएंट्स को हम एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, या कह लो ऑक्सीडाइज करते हैं। तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन सेल में कहां होगा? यहां होगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल में होने वाले एरोबिक रेस्पिरेशन की जो जगह है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे जितने सब्सट्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, उनका ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और बाय अ साइकिल होता है, एंड दैट साइकिल इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम कहां होते हैं? मैट्रिक्स में। सो क्रेब्स साइकिल की साइट क्या हो गई? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एक्सेप्ट एसटीएच। और जब ये क्रेब्स साइकिल होती है, उसके बाद होती है रेस्पिरेटरी ईटीएस। ईटीएस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो ये रेस्पिरेटरी ईटीएस कहां होती है? इनर मेम्ब्रेन में, और वहीं पर एंजाइम लगा है एटीपी सिंथेस, जिससे होती है एटीपी की सिंथेसिस। अब देखो, हमें ये जानना है कि एटीपी की सिंथेसिस कैसे हो सकती है और कितने तरीकों से हो सकती है। यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करना कि हमारी बॉडी में, यहां मैं समझा रही हूं आपको, हमारी बॉडी में एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दिस इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड दिस इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक, हमें केवल इन दोनों को जोड़ देना है। तो जिस तरीके से एडिशन ऑफ CO2 इज नोन एज कार्बोक्सीलेशन, बिल्कुल उसी तरीके से एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। तो एटीपी बनने का प्रोसेस इज सिंपली फॉस्फोराइलेशन। वी आर एडिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एडीपी टू फॉर्म एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो अब ये एडिशन जो हो रहा है, इसकी एनर्जी किससे मीडिएटेड है? अगर लाइट मीडिएटेड है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगर ये कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हो रहा है तो सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जैसा ग्लाइकोलिसिस में होता है। और अगर ये ऑक्सीजन की वजह से हो रही है, देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस तभी होगी जब ये एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। तो यहां क्या होगा? एडीपी में पीआई जुड़ेगा एंड इट विल यील्ड एटीपी। तो क्योंकि ये पीआई जुड़ रहा है इसमें, इसलिए क्या नाम है? फॉस्फोराइलेशन। और इसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो देखिए, यहां पे मैंने फंक्शन लिखे हैं, दैट साइट, इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक्सेट्रा। कहां पे होगा? मैट्रिक्स में। किससे होगा? बाय क्रेब्स साइकिल। इनर मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी ईटीएस होगी और वहीं पर एडीपी सिंथेसिस होगी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। कैसे? एडीपी में पीआई जुड़ेगा और एटीपी बन जाएगी, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड दिस एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यानी कि सेल में कोई भी काम करोगे आपको एटीपी की जरूरत पड़ेगी, या कह लो कि सेल को एनर्जी एटीपी से मिलती है और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। यानी पूरे सेल को एनर्जी, पूरे सेल को पावर माइटोकॉन्ड्रिया देता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज और, आप सब जानते हैं कि ये जो डीएनए होता है, ये हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, और डीएनए हमें पेरेंट्स से मिलता है। एक चीज मैंने आपको लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है, तो वो भी हमारे किसी ना किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हमें फादर से मिलेगा, या हमें मदर से मिलेगा, या हमें किसी से भी मिल सकता है, तो क्या बताओगे? सोच के देखो। मुझे पता है मैक्सिमम लोग सोचेंगे किसी से भी मिल सकता है, बट नो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो स्पर्म सिर्फ अपना न्यूक्लियस डोनेट करता है, बल्कि ओवम, एग, मदर का गेमीट, न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डोनेट करता है। यानी जाइगोट जो बन रहा है उसमें न्यूक्लियस तो दोनों पेरेंट के हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म पूरी तरह से मदर का है। और क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब, ये जो ऑर्गनली है, ये साइटोप्लाज्म की है, तो इसका मतलब हमने ये सारी ऑर्गनली पूरी तरीके से कहां से इनहेरिट की है? सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर से इनहेरिट की है। यानी ऐसा इनहेरिटेंस पूरी तरह से मैटरनल इनहेरिटेंस कहलाता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाता है।
मतलब बात समझ में आ रही है ना, आपके पास जितनी माइटोकॉन्ड्रिया है, आपकी बॉडी जितनी एनर्जी बना रही है, उसका पूरा क्रेडिट आपकी मदर का है। तो यानी कि फर्टिलाइजेशन में, प्रोजेनी प्रोडक्शन में, ना केवल मदर कैरी करती है फीटस को, बट ऑल्सो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होता है जायगोट फॉर्मेशन में। तो जाइए अपनी मम्मी को थैंक यू बोलिए फॉर ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया यू हैव, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो हमारे टोटल सेल के डीएनए का 1% होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक और मैटरनल इनहेरिटेंस, और इससे होने वाली कोई भी कैरेक्टर, इससे होने वाली कोई भी डिसीज, वो पूरी तरीके से हम मदर से या साइटोप्लाज से इनहेरिट करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा दिया है, ऑल्दो यहाँ के काम का नहीं है, ये आपको 12th में जब हम जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ते हैं उसमें मैं दोबारा बताऊंगी। अब एक चीज, मैंने ये चीज पहले भी आपको बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। सेमी मतलब हाफ, ऑटोनॉमस मतलब ऑटोमेटिक, यानी अपने काम ये खुद कर सकती है, पर सेमी मतलब हाफ, हाफ मतलब एग्जैक्टली हाफ नहीं, मतलब मैक्सिमम काम ये अपने खुद कंट्रोल कर सकती है, बट स्टिल इट इज डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस, सो इट इज सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है। और इसको बैक्टीरियल एंडोसिम्बायंट कंसिडर किया था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, सब लोग सुनिएगा जरा। हुआ क्या कि कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये तो बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा है, आप खुद देखो, इसमें अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है बिल्कुल मीजोजोम जैसी, इसमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोजोम होता है बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा, इसमें 70S राइबोसोम होते हैं बैक्टीरिया जैसे, ये बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड भी करता है एग्जैक्टली लाइक बैक्टीरिया। तो ये सारे फीचर्स जो इसके बैक्टीरिया से मिल रहे हैं, इसकी वजह से साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ये जरूर पहले कोई बैक्टीरिया रहा होगा जिसको किसी यूकैरियोट ने खा लिया, लेकिन किसी वजह से उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो टाइम के साथ वो उसी की बॉडी का हिस्सा बन गया, और ये दोनों एक दूसरे को मदद देने लगे, एक दूसरे का फायदा पहुंचाने लगे। और जब एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों पार्टनर को फायदा हो और दोनों एक दूसरे के बिना ना रह पाए, तो उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब कोई माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के बिना नहीं रह सकती, और यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया के बिना नहीं रह सकता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, इसका मतलब दोनों का ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक है, और एक पार्टनर दूसरे के अंदर चला गया है, एंडोसिम्बायोटिक है, और जो पार्टनर अंदर चला गया है वो बैक्टीरियल नेचर का है, तो बैक्टीरियल एंडोसिम्बायंट कहा गया। लेकिन ये सिर्फ कहानी है, हाइपोथेसिस है, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट या प्रूफ नहीं किया गया है, ऐसा बस सोचा गया है इनकी सिमिलैरिटी को देखते हुए, इसलिए मैंने वर्ड यूज कंसीडर किया है। साइंस में हर वर्ड की बहुत मीनिंग होती है, क्वेश्चन में हर वर्ड की बहुत मीनिंग होती है, तो दे आर कंसीडर्ड एज बैक्टीरियल एंडोसिम्बायंट्स, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इनको बैक्टीरियल एंडोसिम्बायंट माना गया है, ठीक है। ऐसे ही कुछ फीचर्स मैं आपको क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़ाऊंगी, वो भी सेमी ऑटोनॉमस होता है, उसमें भी बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस को लागू किया जाता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे प्लास्टिड्स की, टिल देन अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।